अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जिसने अपना एक छोटा सा हवेली में जू खुले और जानवर में रखे हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने दोस्त से मिलने के लिए। उसके हवेली के बाहर आ चुके हैं हम और ये हमारे भाई फहद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो फहद, जितने भी यहाँ पर परिंदे और जानवर रखे हैं वो हमको दिखाएंगे। ठीक है, तो फहद भाई क्या क्या रखा हुआ है? बतखें, छकोरे, मुर्गी, कबूतर। अच्छा, तो दिखाएंगे। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये बतखें हैं, क्या आप देख सकते हैं? ये जोड़ी बतखों की। बतख क्यों बैठी हुई है? अंडों में बैठी हुई। बतख ने अंडे दिए, अंडों में बैठी हुई है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखें, ये मुर्गी है और इसके अंदर बच्चे हैं। ये खोलें, ये देखें जी, मुर्गी और इसके बच्चे हैं। और इसमें आपको दिखाते हैं क्या है। ये देखें जी, माशाल्लाह कबूतर हैं। ये देखें, ये कबूतर हैं। इसमें यहाँ पर इस खुडे में जो कि चकोर हैं, चकोर बाहर निकली हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, इधर खाना खा रही हैं। ये देखें, ये जोड़ी है चकोर की और ये भी मुर्गी हैं और ये मुर्गा है जो कि इन मुर्गियों का सबका अब्बू है। ठीक है, और एक वाइट चकोर आपको दिखाता हूँ। वाइट चकोर आपने कभी देखी है? नहीं देखी तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरफ गई है, वो देख, वो जा रही, वो मुझसे डरती हुई उधर चली गई। ये देखें, ये वाइट चकोर है। और ये जो बड़ी बतखें हैं, मुझे पड़ती भी है, आपको दिखाते हैं। देखे बतखा पढ़ाई से, देखा देखा गाइस, देखा किस तरह शेर बन रहा है मुझ पर पढ़कर। ये देखो, ऐसे पढ़ता है ये मुझ पर, हर दफा ऐसे ही पढ़ता है। ये देखें कैसे लड़ रही हैं, ये देखें, आपस में लड़ती भी बहुत हैं औरतों की तरह। ये देखें, वो देखें, अबे मुर्गा आया इन्हें छुड़ाने के लिए और उनकी खाला आई है। सुला हो गया। वक्ती तौर पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसे ही सारा दिन लड़ती रहती हैं ये। ठीक है, और ये जो है, ये देखें, ये मुझसे लड़ रहा है। ये देखें, इसका जोर मुझे लगता है मुझ पर ही चलता है। ये देखें, फिर चला गया। और बतख ने अभी अंडे दिए हैं तो अंडों पर बैठी हुई है। जब इससे बच्चे निकलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, और इसे कहते हैं शहर में देहात, और शहर में ये सारा कुछ रखा हुआ है। तो कैसा लगा ये छोटा सा सिस्टम? और बहुत ही प्यारा सेटअप है, और आगे और भी ज़्यादा, पहले बड़ा सेटअप था और इस तरफ मकान बना लिए हैं, लेकिन अब जैसा भी है ये है। और इसके आगे शायद और भी बेहतर हो। तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल अपने चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।